जय बद्री विशाल ताज सुफन टीवी नए ब्लॉग में सभी स्वागत है। तो आज वाले ब्लॉग में दिखाने वाले मैं आपसे पूरा थापल गांव पुर्द पौड़ी जिले कर कल जी खाल ब्लॉग में। तो ये गांव सैर करा छो मैं नैनी गाँव च, तो मैं अपने नैनी गाँव भी दिखा लो कोई इतने अंश है नीच वन चल दो छो गाँव स्टार्ट कर दो छो। पिछले वाले ब्लॉग में देखी चाहिए कि मैं अपने मामा घर पहुँच के चाहिए वो बाद अब ऐसे कंटिन्यू कर मैं दगड़ से आसू आसू घुमालता वो पर पूरा गाँव कदन लोग से आसू गाँव में साठ पैंसठ मोच न तो घर तो बच्चे रहना चाहते हैं सभी घर कुछ कुछ रहना हाँ चलो चलो छा फिर तो ये मामो रंग घर जखम मैं आज रुकने वाले छो। तो सबसे पहले ना तरफ मैं मामो रंग घर लगो फिर ना तरफ एक ही घर च गोर बकरा खूब चिन रखे एक बाकी इना ऐतर और कूड़ा चिन तो यह यो मुर्गी फार्म बड़ी च और बाकी इना तरफ मामी बैठी च बैठे रहा था मामी हाँ तब चल रहा मैं इधर तरफ नमस्ते जी तब जाकर अब बिना आया थे रखी रस्ते से ये देखो सबसे आया थे ये कूड़ पूरा टूटी हुई तीन आ तरफ एक ही मकान से नमस्कार ठीक ठाक ख्याल खाना पीना अब आज वीडियो बना चो मेरे वाला आज थापल गाँव वीडियो बना दो तई ना कूड़ उजाड़ी हल पूरा इधर किले के भाई अतः इना बटे उन्नी मिला आपते प्रधानमंत्री आयुष किले अच्छा प्रधान जी दी जांच नाम तो ऐ जल तो पैसा है बकरा खूब रखे जन थापल गांव में सब नमस्ते हाँ बाकी और मकान से नहीं होता ताले लगे आज ना इना क्या मुर्गा भी खूब चिन बड़े बड़े रखे और इना ये वाल घर भी पूरा तार लगी चे और ये देख लिया फार के बड़ी है बच्ची ची बिल्कुल है जर्सी बाची ची नमस्ते ना ना चाय चुना क्या चीन अरविंद तो आज अरविंद आज तुम गवाए आज हम वीडियो बना को ना तो इना तरफ चिन्ह कुछ और कूड़ा और कुछ इना तरफ चिन्ह ये उजड़िया कूड़ा यू मनी रन कोई अच्छा अब है कि हम अपने छोटे मामी उन्हें घर में क्या क्यों उन्हें मामी बधाई हो सास बढ़ गया आप क्या हाल है सर नमस्ते मामी। बाकी कुछ मकान इना तरफ से ना ये मतलब ताल लगी चाहिए इना अच्छा है कोई और मत सिंधी मकान और तीन चार मकान इना तरफ से ना गांव तो भिंडी पड़ोची बाकी कुछ मकान ना चंद ताले लगे हैं चनी मुंबई बाकी ना तरफ चाहिए क्यों मकान ताल गौड़ बनी मत तो ताल लगे हैं चंद इन तरफ भी चाहिए क्यों मकान यहाँ मतलब रहना चाहिए चंद ना कोई शायद बाकी ना ये ताल बिजली खाला बाढ़ ना तब है कि हम इन तरफ पियो थापल गांव भैरव मंदिर से तो गांव थोड़ा से अगर मतलब पूरा अच्छे से बड़े ज़्यादा तो बहुत सही लगने का मंदिर है क्योंकि हमारे एक बीच भैरव मंदिर तो वो भी गाँव लोगों को मतलब बढ़िया से बढ़ी चे बाकी ना तरफ से एक हाथ कूड़ा ही पैतर अब चल रहा हम और ऐतर गाँव में तो बाकी ना तरफ एक ही नया मकान बढ़ी चे और बाकी ना तरफ से पूरा खंडर ही गया बाकी एक मकान ही हो चे या वे अभी हाँ रहना तो छाचे ना पता तो नहीं अभी पुंगड़ गया बोला अब आएगा ना तरफ नमस्ते नानी हाँ ठीक ठाक नानी पंचलिक हाँ 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 सब बढ़िया ये बाबा ये तो सच में हाँ मजे करोगे हाँ सोर पसंद नहीं है हाँ ना ना बड़ो भैजिक से लड़का हुई हूँ अच्छा लड़का हुई हूँ हाँ कब है आ 3 महीने बिगिन जनवरी दिसंबर 30 तारीख सोले दे बहुत खींचा तो हमारे अरे कहने का गांव में तीन निरंतर तब और क्या सब इंटर ना और क्या मेरा सुयत पता नहीं रहन अच्छा रहन फुफो नॉन तो अच्छा ना अच्छा क्योंकि उन्होंने गांव तो मैं बंद हो गया पूरा बुढ़ी बुढ़ी रह गया बस बस बुढ़ी बुढ़ी झिम्बा अर्जुन बिचलो को हल्का खाली कर पूरा बिचलो को ये मैं गिटी गलती है मैं हाँ मार चुका भतीज घर में हूँ
हां घर ही छन अभी। अच्छा अभी आजकल छुट्टी छन। आ तो पाग रहे तो दिल्ली रहे। मैं दिल्ली भी रहंदे घर भी रहंदे। अच्छा आजकल घर बैठे चलो ना काम। हाँ हाँ। तब जाकर छोटे दिन वीडियो पढ़े थे तो। आज मीन बाली था बोला लोग बना चाहिए कि हम गाँव वीडियो पढ़ेगा भेज दिन बल तो तब देख ले लो बोले सभी होते बाकी सब ठीक ठाक कम दिखना चाह ठीक छो हाँ अब सही लगना चाहिए बिल्कुल नन्नी तो खूब करे आचन रंग भी है बाल हां नन्नी मां मां सॉरी हां ये मकान है बेली जो सर अच्छा इन अतर मकान पात्र छन हां ठीक कोई आ जाल तो ये देई कन सर वाला का दुबला के भी बड़ो लाड बाप सुंदर दोला अच्छा बैठ रहा तब ठीक है नानी ठीक है मम हां हां आ गयो ना अतर में सब ठीक ठाक नमस्ते नानी नमस्ते बाबा नमस्ते ठीक ठाक ना ना जानो सब अब जान सो जरा पर और अच्छा यूं च बबली भाभी और हां ये घर बंद पड़ी छी ना तरफ पहले कम नानी रहन चाहिए के नमस्ते नानी ठीक ठाक के होनो छ थापलम सभी बकरा रखे छ ना अब बाग भी लगी बोलिया के नमस्ते नानी नमस्ते बाबा तब मूल खालो हुन कुछ बना जो मकान बननी बांध पड़े कन चल गए जो अच्छा क्या का हो बना मन जो पूरा मूल खाली बन रह गया पूरा अच्छा वो हुन क्या बना मन के बड़े ले मकान है ले घर हां जब रो पूजा में अच्छा वो बोले हमन मकान बड़ा मकान बड़ा हां दीदी मकान बड़ा ये रा चार साल हो गए मकान बढ़ गया अरे सब उजड़ गया अब तो पूरा ही खत्म हो गया पूरा हां बाबा डाल लगी चाची ना तरफ ठीक से बैठे रहा था मामी अच्छा बाबा तो जाने चाचा रहा मैं तेरे जाप जा नमस्ते मामी ठीक ठाक हाँ चलो ठीक से बैठे रहा था हम जाने चाहे तेरे क्या करना चाहो एलोवेरा वगैरह खूब लगी चा पका नमस्ते मामी ठीक ठाक क्यों च तीन तरफ ची थापल गाँव सबसे पल चाल कुछ मकान ही ना तरफ छे ना और कुछ यो मुले ख्वाल छे ना नमस्ते मामू जी ठीक ठाक क्यों हूँ चार तब गांव तो बैठा ठीक ठाक मैं माँ पंचली बड़े ही चौमे हाँ वो लड़का हाँ जी नमस्ते हाँ सब बढ़िया सब बढ़िया हाँ भतीज भी खूब छा सब बढ़िया बाकी ना तरफ से नेक आदम मकान तो यो च मेरे नानी और घर सबसे पहले नंबर वाल जो दिखण छ आपसे दर्जा इना दूसरो नानी घर इना यो आश्रम घर इना एक और नानी चूं घर एक चर चर कनेक्शन लगे जन पानी का पर कोई नहीं छे पूरा कूड़ा उजड़ गया यक मैं नन्नक मतलब अलग से जमीन भी ली जाई कि अगर थोड़ा और बाण हो तो तब बड़े दिल यकम बिल्कुल बाथरूम बड़ी चाहिए लैट्रिन बड़ी चाहिए यकम अरे देखिए आते पूरा बिल्कुल योर खाल पूरा सुननी पड़ी है ये देखो इना ताल रहन छे छे खूब अरे ना देखो ये तो पूरा उजड़ गया है कम अरे ना यो ये दिप्य मामा रंग ना यू बन रहे घर में अच्छा तो ये ना तरफ ये मकान भी ना तरफ पूरा सुन पड़ गया बाकी कुछ कूड़ा ही ना चल अब चल रहा शायद तेरे कहीं यकम कुछ मकान छे ना बाकी यकम बटे पहले बिंडे पान सड़ता सही बाकी ना तरफ कुछ मकान छे ना अरे मत ताले लगे छे नमस्ते मामी हम पंचली बटे अच्छा रानी च मेहमान नाम ए वी नॉन छई हां जी ए चाचा रंजीत रो बाबा अच्छा खूब छी हां अच्छा तेर अच्छा तेर शादी ना ना बड़ो बड़ो भाजी कहीं जी शादी अच्छा तो छूट छई हां ये आन छई गिच बिटन मां कनो आ रहा ओही तो गिच बिट
आज हमन बाल चल ननी गाँव घूम ले। अब बीच वाल खाल तो सुन गया पूरा बस बाकी तो कोई है नहीं कोड़ा भी उजड़ गया पूरा बाकी इना तरफ छेंचने इना वाल फार वाल तो उजड़ गया अच्छा आप पक्का कम चे बाबा यू ने आज बता जा नौ सुमाम में ठीक ठाक अच्छा भाभी सॉरी हाँ सब बढ़िया सब बढ़िया। आज मैं माँ पैदल पुड़ी छा ना कि बोले नानी गाँव वीडियो बड़े कन बिला ना माँ नहीं जे हाँ माँ नहीं है तब जा हाँ बाकी कम चीन ये दुई मकान और दुई तीन कम चीन और बाकी कम पोस्ट मास्टर जी एक मकान है सी एस रावत रहते चाहे नहीं घर अच्छा वो दिल्ली में रहता है बाकी एंज रोड है बाकी एक मकान ही हो चे पानी पहले तो खूब भीड़ मची रह जबर बचपन मान चा आप घर का नल नल लेकिन तब कोई नहीं आने अभी बल पड़ी थोड़ा बड़ा है गाँव लड़कों नहीं पानी अब नहीं एक कम चार एक ताल में चा पहले ना मुड़े तो टूट गया पूरा रोड आ गया तो वहाँ वजह से वो टूट गया पूरा यकम यो लिंगड़ा भ्याल यकम लिंगड़ा सब्जी मिलती ये देखो हाँ तो अभी जन बरसात का टाइम हो ना तो वह टाइम पर मतलब उबर तो खूब ही रहन बुझी तो ये देखो यो तो ये लिंगड़ा वन तो खूब मतलब मोटी मोटी ही रही सब्जी बट अभी बरसात टाइम पर वेले अभी तो ये मतलब ऑफ सीजन से ये नहीं यहाँ छो तो अब आ गया हम थापल गाँव नागरज मंदिर दिखा चो मैं मंदिर तीन तरफ छो नागरज मंदिर ताल तल लगे छह नीचे ना खुल छे जय हो नागरज महाराज की छे आ गया मैं थापल गाँव देवी मंदिर में तो दिखा चो मैं आप लोगों को थापल गाँव देवी मंदिर तो यो छे थापल गाँव देवी मंदिर जय माँ बाल कुमारी इना मूर्ति च माता रानी का तो यो थापल गाँव देवी मंदिर जय माता रानी जय हो तीना लगन च मंदिर में कोई आम छैनी इना तरफ भी थोड़ा झाड़ झपड़ ज्यादा हुई शायद बाग डर मारे में लगना अब लोग कम ही आते इन तरफ तो अभी हम कंस दे बटे गया थोड़ा लेट हो गया तो यो पार्ट में बाद में ऐड कर दिल यो मतलब थापल रामला ग्राउंड चकम रामला होती रात रामला होती थापल गाँव में और इन तरफ ही घर में तो तार लगी हुई और इन आयु पंचायत घर से अच्छा अच्छा तो इन तरफ कुछ घर से नहीं बंद थे ना बाकी इन तरफ ये घर से ना हाँ अच्छा ये योग योर घर से नमस्ते मम्मी नमस्ते हाँ तो इन शाम का तो टाइम पर आ गया मामी द्वार तो मामी बाग वाग लगी हुई तब तो कन के लाना चाहता घास वास घर में बैठ तो नहीं ली जमीन की अब रिटायरमेंट बाद बहुत सही आप लोग बिल्कुल मेल मिलाव कह रहे थे ना रामला कमेटी बड़ी जो हमारे गाँव की एकता की बहुत ही सुंदर एकता थी तो एकता मन और गाँव में भी नहीं दी ना यही हिसाब से हमारे गाँव की एकता वही तो बहुत अच्छे थे हर सहयोग पूरा गाँव रहे चाहे महिला चाहे पुरुष चाहे बच्चा चाहे बुजुर्ग
अरे अभी रात राम लका की नहीं होंगी गाँव में केवल थाप लो थाप लो लोग भी खूब आए हैं दिखना पड़ा 104 वर्ष होगी ना हमारी राम लला चलते चलते अच्छा लेकिन हूँ रात ही की दिना राम लला दिना राम लला नहीं होंगे अच्छा बाकी कितना परिवार चिन्ह मतलब थापल गाँव में अभी वाला लगभग ये चूके 60 परिवार करीबन अच्छा पहले तो बहुत बड़ा गांव था थापल बहुत बड़ा गांव था लेकिन कुछ क्लाइंट रहेगी हाँ कुछ असुविधाएं होगी तो पहले तो रोड भी नहीं था अब तो रोड आ गया था रोड है यार गांव का मेरा हाँ लेकिन कई चीज पानी की दिक्कत छाई पहले दिक्कत हाँ कई लोगों ने प्लान कर दिया मामू जी से धन्यवाद मामू जी ठीक है तो अभी आए हम सबसे लास्ट मामी घर तो मामी ना अभी बढ़िया द घर द बन च मामी है तो मामी आजकल तो मामी तो गोर बकरे नहीं रखे ना ना गोर बकरे कुछ हां तभी बाग और सबसे मत है घर बाग डेढ़ तो लेकिन मामी ना 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 नहीं लगे बाग डेढ़ हां बाग का आजकल ज्यादा हो छोड़ के ना हां तो ठीक लगो बाग ज्यादा हो ना था पर लर ना कस दे ठीक है मामी बैठे रहा तब हां जी हम चल रहा तब तो बाकी यो जो थापल गांव अगर कह गाड़ छूट गए नाराज नहीं है जतक जतक में जैसे कुछ है मैं दिखाएल छ तो आशा कर दो चाहो आप अच्छा लगो ली ब्लॉग थापल गाँव का प्लान तो भिंडी हुई चाहिए गाँव चाहे वो मतलब मुल्क वालो आए चाहे मैं लख वालो आए पिंडी घर बंद पुड़िया छे ना गढ़वाल में सब ये निहाल छे ना और सबसे ज़्यादा दुखी हुआ है कि गाँव जो मंदिर छे ना उन हालत बहुत मतलब वन हुई चे बहुत टाइम बटे मतलब मरम्मत भी नहीं हुई चाहिए सफेद भी नहीं करी चे चौकराई भी नहीं हुई अच्छे से तो जो गाँव की इष्ट देवता छे ना तो थोड़ा ऊँग भी मतलब मंदिरों में थोड़ा सफेद वगैरह करे जाए कि लेकिन हम कांस देव भी गया तो अगर मंदिर तब भी मतलब बहुत अच्छी कंडीशन हम चाहिए हमें गाँव भी मंदिर वाला या कखी और गाँव भी दिखने मिल पिपली गाँव में दिखे तो अगर मंदिर भी बहुत सही छा उन करे यहाँ तो थोड़ा गाँव वाला अगर थोड़ा यहाँ भी फोकस करो तो बहुत सही लगल मंदिर इतना ज़्यादा तो कुछ खर्चा नहीं आता तो बाकी आप लोगों की मर्जी छुआ बाकी ब्लॉग अच्छा लगो लो तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और जो चैनल हम पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ना और मिलता छा फिर अगले ब्लॉग में कंस देव गांव दिखाऊं चाहे मैं ब्लॉग में जग बागा का अटैक करनी चाहिए तब तक जय हिंद जय उत्तराखंड जय देवभूमि डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में।